कोनिची गाइस, कैसे हो आप सब। कुरकुस बास्केटबॉल में एपिसोड नंबर 18 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना दिन लेट हो गया, और वो भी 10 दिन हो गए। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। ऊपर से जो नए एनिमे आ रहे थे उनको भी एक्सप्लेन करने का मन था मेरा, और मैंने किया भी, कुछ कुछ किए, कुछ कुछ छोड़ दिए। तो अब से दोस्तों पूरा प्रॉमिस है कि मैं इसके ऊपर रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा, मतलब डेली एक शायद आ सकता है अगर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया इसके ऊपर। तो देखो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया अपना जो आउमीने होता है उसके पास बॉल होता है, और कागिमी उसके आगे खड़ा रहता है, और वहीं पे अपना आउमीने ड्रिबलिंग स्टार्ट कर देता है, और वहीं पे वो ड्रिबल करते करते आगे जा रहा होता है, और तभी वो उछल जाता है। और सभी को लग रहा होता है कि वो उछल के मतलब शॉट लेने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सीधा बास्केटबॉल की तरफ अपना बॉल फेंक देता है, और जो बॉल होता है वो सीधा बास्केट हो जाता है, और वहीं पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ये वाला शॉट है मैंने भी बहुत बार बास्केटबॉल में ट्राई किया, और काफी ज्यादा मजा आता है। और तभी हम अपने मोमो ही दिखाए थे जहां पर वो बता रही होती है, जब आउमीने छोटा था तब से वो बास्केटबॉल खेल रहा है, ऊपर से वो स्ट्रीट बास्केटबॉल खेलता है, जहाँ पे कि जो अडल्ट होते थे वो भी इसके सामने टिक नहीं पाते थे, और उनकी मदद से जो अपना आउमीन है उसने फ्री स्टाइल सीखा। और वहीं पे हमें यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना आउमीन बास्केटबॉल लेके आ रहा था धीरे धीरे, और वहीं पे उसके सामने हुआ होता, और वो जो आउमीन है वो हुआ के एकदम मुंह के पास बॉल फेंक देता है, मतलब वो ड्रिबल ही कर रहा होता है, और उसको ऐसा दिखा रहा होता है कि वो उसके हाथ से गलती से बॉल छूट गया। और तभी वो अपना जो हुआ होता है वो सोच रहा होता है कि ये इसने क्या किया, क्या मैं बॉल पकड़ सकता हूँ, और वहीं पर तभी अपना जो आउमीन होता है वो बॉल दोबारा से पकड़ के उसको कटा के आगे निकल जाता है। और तभी वहां पे कागिमी आ जाता है, और अपना जो आउमीन होता है वो उछल के बास्केट करने ही वाला है, तभी अपना जो कागिमी होता है उससे भी ज्यादा ऊंचा जंप लेके उसको रोकने की कोशिश करता है, और सबको लग रहा होता है कि इस बार तो वो रोक ही लेगा, बट अपना जो आउमीन होता है वो हवा में आधा लेटा हुआ रहता है, और तभी वहीं से बास्केट कर देता है और सीधा बास्केट हो जाता है। और अपना जो हुआ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसा इंसान है, ये ग्राउंड के एकदम पैरेलल था बट फिर भी तब भी इसका बास्केट हो गया। और वहीं पे जो अपना कागिमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बास्केट मिस क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है अब ये बास्केट मिस नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मेरे को इससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अगर मैं आउमीने को शूटिंग और स्पीड में नहीं हरा सकता तो मैं उसको अपने जंप में हराऊंगा। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो कागिमी होता है वो बॉल लेके वहां चला जाता है, और उछल के बास्केट करने वाला होता है, मगर अपना जो आउमीने होता है वो उसके हाथ में जो बॉल होता है उसके ऊपर अपना हाथ मार देता है, और वहीं पे अपना जो कागिमी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है ये देख के। और तभी आउमीने बॉल ले लेता है और आगे जाके ड्रिबल करते हुए बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, और वहीं पे जो कागिमी होता है वो भी उसका पीछा करता है, और पीछा करते करते अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं इसको बास्केट नहीं करने दूंगा, और वहीं पे जोश जोश में वो उछल के उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर गलती से वो आउमीने में सट जाता है और उसकी वजह से वो फाउल हो जाता है। और वहीं पे हमें देखा अपना जो आउमीने होता है वो भी हवा में होता है, और वो मतलब पीछे से अपना बॉल फेंकता है और सीधा जाके बास्केट हो जाता है, और ये देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और शॉक भी होते हैं। बट तभी वहां पे जो अपना आउमीने होता है वो सबको बोल रहा होता है क्या इतना ही दम है तुम्हें, मुझे लगा तुम लोग और अच्छा कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। और फिर जो अपना आउमीने होता है वो गुरु के पास जाता है और बोलता है कि आ जाओ कोर्ट पे, सारी बात वहीं पे सेटल कर लेंगे। और तभी जो रिको होती है वो देखती है कि जो स्कोर है वो मतलब 20 पॉइंट से उनका लीड है, तो हमें इस बार अपना चांस गंवाना नहीं चाहिए। और वहीं पे कुरुगु को बोल देते क्या तुम रेडी हो, और वहीं पे बोलता हाँ काफी ज्यादा रेस्ट ले लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना कुरुगु सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और वहीं पे दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाता है, और दोनों की दोनों टीम काफी ज्यादा हाइप अप हो चुके होते हैं। और वहीं पे जो बॉल होता है वो सोइची के पास होता है, उसके बगल में इज़ुकी भी होता है, और जो सोइची होता है वो कोसुकी को बॉल पास कर देता है, और वहीं पे जो कोसुकी होता है वो उछल के बास्केट कर देता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कुरुगु होता है वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, और वहीं पे वो बॉल को स्पिन करके एकदम कोसुकी के कान के बगल से निकालता है, जैसे कि मिडुरुमा के कान के बगल से निकाला। और तभी अपना कागिमी बॉल पकड़ लेता है, और वहीं पे वो बास्केट करते हुए आगे भाग रहा होता है। वहीं पे जो आउमीन होता है वो भी उसका पीछा करता है, और सबको लग रहा होता है जो आउमीन होता है वो उसको रोक लेगा, मगर वहीं पे जो अपना कागिमी होता है वो अपने युगा को बॉल पास करता है और बोलता है वो व्हाट अ सरप्राइज, और तभी वो बॉल लेता है और बास्केट कर देता है। और जो कुरुगु है उसकी मदद से दो और बास्केट हो जाते हैं, और फिर तभी अपना जो आउमीन होता है वो कुरुगु को बोलता है तुम एकदम पहले जैसे खेलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने सेम ट्रिक से मुझे हरा सकते हो, और वहीं पे जो कुरुगु होता है वो बोलता है ये मेरा स्टाइल है और मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें हराऊंगा। और फिर तभी हमें दिखाता है अपना जो बॉल होता है वो इज़ुकी के पास होता है, और वो सोचता है कि अब ये अच्छा मौका हमें बास्केट करने का, और वहीं पे वो कुरुगु को बॉल पास कर देता है, और जो कुरुगु होता है वो बॉल को पंच मार रहा होता है ताकि बॉल का स्पीड इंक्रीज हो जाए। और वहीं पे हमें दिखाया था वो पंच मारता है और जो बॉल का स्पीड होता है वो इंक्रीज होता है, मगर वहीं पे तभी आउमीनो होता है वो उसको एक हाथ से बिना हिले डुले उसको आराम से पकड़ लेता है, और वहीं पे वो बोलता है तुम भूल गए तुम्हारा स्पेशल काइंड ऑफ पास सबसे पहले किसने पकड़ना सीखा था। और तभी जो आउमीनो होता है वो एकदम स्पीड में सबसे कटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और काफी स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, और वहीं पर उसको देख के अपना जो कागिमी होता है वो भी उसको रोकने के लिए पीछे पीछे भाग रहा होता है बहुत स्पीड में। और तभी हमें दिखाया था अपना जो आउमीनो होता है वो उछल जाता है बास्केट करने के लिए, मगर वहीं पर अपना कुरुगु और कागिमी दोनों के दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट आउमीने अपना बास्केट कर देता है, और उसको देख के अपनी जो रिको होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी आउमीने कुरुगु को बोलता है तुमने थोड़ा बहुत भी इंप्रूव नहीं किया जब से हम लोग अलग हुए थे। और फिर तभी जो अपना कुरुगु होता है वो दोबारा ट्राई करता है, मगर अपना जो आउमीने होता है वो दोबारा कैद करके बास्केट कर देता है। और तभी हमें दिखाया
रहता है, अपना जो कागमी होता है वो जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी उसके पैर में कुछ दर्द करता है और वो दोबारा ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसके पैर में कुछ हुआ ही नहीं और वो नॉर्मली चलने लगता है। मगर अपनी जो रिको होती है वो ये चीज़ नोटिस करी थी और तुरंत उसको सब्स्टिट्यूट करने का सोचती है और वहीं पर वो बोलती है मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और तभी वो बोलता है नहीं तो मैंने बोला ना तुम्हें यहाँ बैठने के लिए और बैठो, और तभी उसको सब्स्टिट्यूट होना पड़ता है। और वहीं पर जब वो चल के आ रहा होता है तो वो थोड़ा लंगड़ाते आता है और वहीं पर जो अपनी रिको होती है वो बताती है कि इस इतने टाइम से वो अपना दर्द छुपा रहा था और सारा प्रेशर दूसरे लेग के ऊपर दे रहा था। और तभी अपने जो कागमी होते हैं वो आके बेंच पर बैठ जाता है और तभी जो कुसुको होता है वो उसको देख के बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये अभी किसी को मार देगा। और वहीं पर वो बताता है जितने भी आदमी थे अभी तक, जितने भी आओमिने के साथ खेले सब ने अभी तक मैं गिवअप कर दिया, बट ये जो आदमी है ये और उसके साथ फाइट करना चाहता है और उसे जीतना चाहता है, ऐसा लग रहा है कि ये अभी फट जाएगा, इसका जो जितना भी पावर है वो सारा बाहर आना चाहता है ऐसा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया था कागमी के जाने के बाद अपनी जो सेरिन की टीम है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है और वो लोग बास्केट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और वहीं पर जो स्कोर होता है वो 93 और 53 होता है और अभी कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पर जो आओमिने होता है वो कुरुको को यही बोल रहा होता है कि अभी कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तुम लोग के लिए और इसका मतलब कि मैं जीत चुका हूँ। और वहीं पर जो कुरुको होता है वो बोलता है कि नहीं, जब तक बजर बीटर नहीं हुआ तब तक मैं स्कोर करता रहूँगा और पूरी कोशिश करता रहूँगा। और ये बात सुनकर अपनी जो सीरीन होती है वो पूरा हाइपअप हो जाती है। और फिर तभी एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ हमें उनका मैच दिखाया जाता है जहाँ पर कि अपनी जो सीरीन होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है ताकि वो उनको हरा सके, मगर कागमी के बिना वो टीम कुछ भी नहीं। और वहीं पर जो आओमिने होता है वो उस टीम को हरा देता है और वहीं पर रिको बोलती है उस दिन हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मगर उस दिन किसी ने भी रोया नहीं अपने हार के ऊपर। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला इंटेंस मैच भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।